गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू कवर चैप्टर एनिमल वर्ल्ड। सी व्हाट इज रिटन हियर, देयर आर द सिक्स दैट एनिमल रिसेंटली गॉट एक्सटिंक्ट। मीन्स कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स के पिक्चर दिए हुए हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक का मतलब होता है कि विलुप्त हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। तो एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम होता है IUCN। तो वो डिपार्टमेंट का काम होता है कि हमारे जो यूनिवर्स में हमारे जो अर्थ है, तो उसमें कौन से स्पेसीज थे, कौन से हैं, कौन से ख़त्म हो रहे हैं, कौन से ख़त्म हो चुके हैं, हर ईयर वो क्लासिफाई करता है। वो डिपार्टमेंट IUCN क्या करता है, क्लासिफाई करता है स्पेसिस को कि कौन से ख़त्म हो चुके हैं, कौन से डेंजर में है। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिस दिए गए हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं। तो हम देखते हैं क्या कौन कौन से स्पेसिस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिया गया है वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस का, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब विलुप्त हो चुका है। सेकेंड पिक्चर ईस्टर्न कॉगोर का। थर्ड पिक्चर है सियोनिया कॉकटी का। फोर्थ पिक्चर है पिंटा आइलैंड टर्टवाइस का। फिफ्थ पिक्चर है ग्रेविस बर्ड का। सिक्स्थ पिक्चर है जैपनीज ऑटर का। ये सारे जो स्पीसीज हैं, ये जो सिक्स स्पीसीज दिए हुए यहाँ पे, ये क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि अब ये हमारे अर्थ पे नहीं पाए जाते। तो ये जो सारे जो स्पीसीज दिए गए हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब है सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ दिया है लर्मा इज अ डोमेस्टिक एनिमल ऑफ साउथ अमेरिका। दीज आर इंटेलिजेंट एंड सोशल। दे लिव इन हर्ब्स। दे हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 25 ईयर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैमलेट्स। मीन्स कि ये जो पिक्चर दिया गया है, ये पिक्चर जो है वो लर्मा का, ये कैमल टाइप एनिमल होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी लाइफ जो होती है 25 इयर्स की होती है। और इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है इसके जो फेदर होते हैं ना, उनसे ऊन निकाला जाता है और स्वेटर वगैरह के लिए यूज़ होता है। और इसके मीट भी लोग खाते हैं। तो सेकेंड जो पिक्चर है ये एल्पिकस का है। ये भी जो है मतलब फेदर के लिए जाना जाता है। तो ये है कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है। ये भी जो है साउथ अमेरिका का है। दे आर फेमस फॉर देयर फाइबर्स एंड कैप्ट इन हार्ट्स फॉर ग्रेजिंग। मतलब कि ये भी है फाइबर्स के लिए जाना जाता है। इसका भी यूज़ किस लिए किया जाता है, स्वेटर्स के लिए किया जाता है, उलन क्लोथ्स के लिए किया जाता है, ब्लैंकेट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर का नाम क्या है, तो एक गेंकोज है। दे आर एनिमल एंड आर बिलीव टू बी वाइल्ड इन नेचर। दे लिव एट हाई एल्टीट्यूड एंड हैव लाइफ स्पैन ऑफ 20 to 25 ईयर्स। यंग गेंकोज आर ऑल्सो कॉल्ड चिलेंगोज। मीन्स ये भी जो है ये जो फर्स्ट और सेकेंड पिक्चर्स दिए हुए एनिमल्स के, ये भी सेम उसी टाइप का है। और इसका भी यूज़ जो होता है वो फेदर के लिए ही होता है और मीट के लिए होता है। और इसके भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो कितना है, 20 to 25 ईयर्स। अब यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हुफेड एनिमल्स कॉल्ड। मतलब कि हुफेड एनिमल्स क्या होता है, तो हुफेड एनिमल्स होता है वो एनिमल्स जिसके पैरों में खड़ा होता होगा। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जो आसपास में जो गोट होते हैं, जो काऊ होते हैं, कैमल होते हैं, उनके पाँव में ना, जैसे हम लोग शूज पहनते हैं, तो उन लोगों का मोटा मोटा हुप्स होता है, तो इसलिए उसको हुफेड एनिमल कहते हैं। तो हुफेड एनिमल क्या हुआ, हुफेड एनिमल वो एनिमल हुआ जिसके पैर में खड़ा होता है। ठीक है, जो सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप का होता है, लेकिन नेल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जूता पहन के अपने पाँव को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वैसे ये एनिमल्स जो है अपने पाँव को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब सेकंड है, इन विच कॉन्टिनेंट डू वी फाइंड द मार्सुपियल मैमल्स। तो मार्सुपियल मैमल्स क्या होता है, मार्सुपियल मैमल्स वो होता है जिसके जो बेबीज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, फुल्ली नरिश्ड नहीं होते, मतलब कि
मतलब कि हाफ कुछ डेवलप बाकी रहता है उसमें, और वो क्या करते हैं रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर उनको जो उनकी मदर होती है मैमल्स की, वो उनको पाउच में रखती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में, जो कंगारू लोग होते हैं वो जो अपने बेबी को कहाँ रखते हैं, अपने पाउच में रखते हैं। जब वो डेवलप हो जाती है बेबी, तो फिर उसको फिर पाउच से निकाल देते हैं। तो उस टाइप के मैमल्स को क्या कहते हैं, मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं। तो ये किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो ये किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो जो अब तुम लोगों ने ये जाना कि एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होता है, तो एक्सटिंक्ट एनिमल वो होता है जो कि विलुप्त हो चुका है। तो हमने यहाँ पर सिक्स एनिमल्स के बारे में जाना जो कि क्या है, जो कि है विलुप्त हो चुके हैं। फिर तीन एनिमल्स के बारे में जाना जिनका यूज हम लोग वूलन्स के लिए करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि हुफेड एनिमल क्या होता है, हुफेड एनिमल वो होता है जो कि जिसके पाँव में खड़ाव लगा रहता है और वो प्रोटेक्ट करता है उसको, अपने उसके लेग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्सुपियल के बारे में हमने जाना कि जिसकी अंडर डेवलप्ड भी जो बेबी होती है उसको वो डेवलप करने के लिए पाउच में रखते हैं, मदर के पास होता है ना पाउच। जैसे आप लोग अपने छोटे होते होंगे तो अपने मम्मी की गोद में रहते होंगे, तो उसी तरह उन लोग के जो होता है पाउच होता है, तो पाउच में वो बेबी को रखती है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा डेवलप हो जाता है तो फिर उसको वो पाउच से निकाल लेती है। तो वो जो मैमल होता है उस, वो क्या होता है, कंगारू वगैरह होते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट, प्लांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम जानते हैं। तो यह पिक्चर्स दिए हुए, तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। जनरल शर्मन ट्री इज लोकेटेड इन जाइंट फॉरेस्ट ऑफ सिक्योया नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया यूएस। इट इज़ द टॉलेस्ट एंड वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्री विद 83.8 मीटर हाइट एंड 2300 to 2700 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि ये जो पेड़ है इसका नाम क्या है, जनरल शर्मन ट्री, और ये कहाँ के पार्क में पाया जाता है, तो कैलिफोर्निया यूएस के पार्क में पाया जाता है। और ये जो है टॉलेस्ट है, वाइडेस्ट है और लॉन्गेस्ट, और इसकी एज कितनी है, 2300 to 2700 ईयर्स, ठीक है। और सेकंड पिक्चर क्या है, ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कॉन पाइन एंड वन ऑफ दिस इज लोकेटेड इन अ वाइट माउंटेन्स ऑफ कैलिफोर्निया। इट इज़ अबाउट 5,662 ईयर्स ओल्ड। दे ग्रो इन द एरिया विथ नो रेनफॉल वेयर नो अदर प्लांट कैन ग्रो। मीन्स क्या होता है कि ये जो पेड़ है ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कॉन पाइन, ये कहाँ पर पाया गया है, तो वाइट माउंटेन है कहाँ के, कैलिफोर्निया के। तो इसकी एज क्या है, 5,662 ईयर्स एज है, और वो उस एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है और जहाँ पर कोई और पेड़ नहीं उग सकते हैं, ठीक है, नहीं ग्रो कर सकते। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हम जानते हैं क्या क्वेश्चन है। नेम ऑफ फाइबरस प्लांट ऑल्सो कॉल्ड एज चाइना ग्रास। तो कौन सा फाइबरस प्लांट है जिसको चाइना ग्रास भी कहा जाता है, तो वो कौन सा प्लांट है, रैमी है। नेम एन ऑर्नामेंटल फ्लोरिंग प्लांट दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नार्कोटिक ड्रग कॉल्ड ओपियम। तो उसका क्या नाम है, ओपियम पॉपी, ठीक है। तो जो ये जो नार्कोटिक ड्रग नार्कोटिक ड्रग उसको कहते हैं, जब हम देखे होंगे, जब आप लोग कुछ मेडिसिन लेते होंगे तो फिर आपको नींद आ जाती होगी, तो वो उस टाइप के मेडिसिन में नार्कोटिक ड्रग डाला जाता है। तो वो किससे मिलता है, ओपियम पॉपी, जो एक टाइप का फ्लावर होता है वो उगाया जाता है, उसका नाम होता है ओपियम पॉपी। वेयर इज़ एवोकाडो मोस्टली ग्रोन, तो एवोकाडो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो मैक्सिको में होता है। तो एवोकाडो क्या होता है, एक टाइप का बड़ा सा फल होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, मतलब 200-300 का अगर इंडिया में खरीदोगे तो 200-300 में मिलेगा एक फल, एक फ्रूट जो होता है वो 200-300 का होता है। वो कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, व्हाट इज़ इंडियन गूसबेरी कॉल्ड, तो इंडियन गूसबेरी को क्या कहा जाता है, आंवला कहा जाता है, ठीक है।
नेम द लीफ दैट इज अडॉप्टेड ऑन द कोट ऑफ आर्म्स एंड फ्लैग ऑफ कैनेडा। तो जब आप लोग कैनेडा का फ्लैग देखोगे तो एक लीफ होता है, ठीक है। लीफ का नाम क्या होता है, मैपल लीफ कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कुछ मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। मेडिसिनल प्लांट उसको कहते हैं जो कि जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो जो मेडिसिन कुछ मेडिसिन होते हैं जो एलोपैथिक होते हैं, मतलब केमिकल से बनाए जाते हैं, और कुछ मेडिसिन होते हैं वो हर्बल होते हैं, मतलब प्लांट फ्रूट लीव्स फ्लावर्स से बनाए जाते हैं। तो वो जो प्लांट फ्रूट लीव्स फ्लावर से बनाए जाते हैं वो, तो उसमें से कुछ फ्लावर कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, हम लोग जानते हैं इसको। फर्स्ट फ्लावर है, सॉरी फर्स्ट प्लांट है इसका नाम तुलसी। तुलसी तो सब जानते हैं कि तुलसी को अगर आपको कोल्ड हो कफ हो तो फिर वो तुलसी की लीव्स अगर आप वाटर में डालोगे तो फिर क्या होगा, फिर उसको आप ड्रिंक करोगे तो फिर आपकी कफ चली जाएगी। एलोवेरा सेकंड है पिक्चर, एलोवेरा की। एलोवेरा को, एलोवेरा बहुत चीज़ों में काम आता है, जैसे स्किन के लिए काम आता है, स्टमक के लिए काम आता है, ब्लड प्रेशर के लिए काम आता है। थर्ड पिक्चर है कैलेंडुला, इसको मैरीगोल्ड भी करते हैं, ठीक है। तो इसका काम भी बहुत सारा, जो एग पेन वगैरह होते हैं तो उसमें ये काम आता है। अब आते हैं फोर्थ पिक्चर, बेसिल। बेसिल जो होता है वो तुलसी के टाइप का होता है, लेकिन इसका यूज़ हम लोग खाने में, मतलब सजाने के लिए, जैसे हम लोग धनिया पत्ता का यूज़ करते हैं उसी तरह इसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पिक्चर है थामी। थामी का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें किसी टाइप की डाइजेशन प्रॉब्लम होती है तो थामी का यूज़ करते हैं। सिक्स पिक्चर है रोज़मैरी। रोज़मैरी का यूज़ भी हम लोग एक वगैरह में करते हैं, जब हमें पेन वगैरह होता है तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं ट्वेल्थ चैप्टर। ट्वेल्थ चैप्टर क्या है, तो ट्वेल्थ चैप्टर है ह्यूमन बॉडी, मीन्स हमारा शरीर। इसके बारे में क्या लिखा गया देखते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोस्ट अमेजिंग पार्ट ब्रेन दैट इज़ मोस्ट एक्टिव व्हेन यू आर स्लीप। मतलब कि हमारा जो बॉडी है बहुत ही अमेजिंग है, और उसमें जो ब्रेन जो होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है, जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें जानते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेड इन टू एंड एन एडल्ट ब्लड वेसल कुड सर्किल अर्थ्स इक्वेटर फोर टाइम्स। मतलब कि अगर हम अपने ब्लड वेसल, जो हमारे वेंस होते हैं और आर्टरीज होती है, अगर हम उसको खोल दें, बॉडी में से निकाल कर खोल दें, तो उसकी जो लेंथ होती है इतनी ज़्यादा लंबी होती है जो हम पूरे जो अर्थ होता है ना, अर्थ को चार बार लपेट सकते, इतना लंबा होता है। अब ये क्या है, योर माउथ प्रोड्यूसेस अबाउट 1 लीटर सलीवा ईच डे। जब आप लोग खाते होगे तो सलीवा निकलता है, तो हम लोग जो एक दिन में कितना 1 लीटर सलीवा प्रोड्यूस करते हैं। बॉडीज गिव ऑफ अ टाइनी अमाउंट ऑफ लाइट दैट्स टू वीक फॉर द आई टू सी। मतलब कि हम देखते हैं जैसे बल्ब में लाइट, मतलब हमारे बॉडी में भी लाइट है, लेकिन वो इतना मतलब इतना कम है कि हमें वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। बेबीज डोंट शेड टीयर्स अंटिल दे आर एटलीस्ट 1 month ओल्ड। जब बच्ची होती है ना, वो देखते होंगे रोते होंगे, मतलब उसके आंखों से आंसू नहीं निकलता, वो रोते रहते हैं। तो कब तक आंसू नहीं निकलता, जब तक कम से कम वो 1 महीने की होती तब तक वो आंसू नहीं निकालती, ठीक है। ह्यूमन्स आर द ओनली स्पीसीज नॉन टू ब्लश। मतलब कि ह्यूमन एक ऐसा स्पीसीज है जो सिर्फ मतलब शर्माना जानता है, मतलब कि ह्यूमन के अलावा और कोई सा भी स्पीसीज नहीं है जो शर्माता हो, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट बीट्स मोर देन 3 billion टाइम्स इन एन एवरेज लाइफ स्पैन। मतलब कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कितनी बार धड़कता है, 3 billion टाइम्स धड़कता अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम, ठीक है। यू लूज़ अबाउट 4 kg ऑफ स्किन एवरी ईयर। मतलब कि तुम लोग ये बात बिलीव नहीं कर सकते होगे कि आपका जो शरीर है वो कम लगभग 4 kg जो है लूज़ करता है स्किन हर एक साल। योर ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ योर बॉडीज वेट। मतलब कि आपका जो ब्लड है, हमारे शरीर में जो खून है, वो शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है, 8% होता है। ह्यूमन टीथ आर जस्ट अ स्ट्रॉन्ग
एज सार्क, सार्क के फिश तो सब जानते होंगे, तो सार्क के जो दांत होते हैं ना वो ह्यूमन के दांत की तरह ही मजबूत होते हैं। मतलब अपोजिट है कि ह्यूमन का जो जो हम लोगों का दांत होता है, हम लोगों का जो टीत होता है वो सार्क के टीत जितना ही मजबूत होता है, सोचो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, मतलब कि हमारे ह्यूमन में सिर्फ एक एक ही पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ होता है? हमारे आई में होता है। तो कॉर्निया में, कॉर्निया ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, योर स्कल इज मेड ऑफ 29 डिफरेंट बोन, मतलब कि हमारा जो स्कल है वो 29 डिफरेंट बोन्स का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नर्व इम्पल्स सेंट फ्रॉम द ब्रेन मूव्स एट स्पीड ऑफ